शेरू भाई जी आप शेयर करेंगे? ज्ञान सूर्य हूँ मैं, अपने प्रकृति रूपी सिंहासन पर चमक रही हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली ज्ञान की किरणें निकल रही हैं, महसूस कीजिएगा। और मेरी संपूर्ण देह में समा रही है। अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया को छोड़कर चली जाती हूँ अपने पिता सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा आ गई हूँ परम धाम में। अपने पिता के पास उनका तेजस्वी स्वरूप कितना सुंदर है। बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से शक्तिशाली लाइट निकल रही है। बाबा की एक एक शक्तिशाली किरण बहुत पावरफुल है। जैसे सूर्य के समीप जाते ही हर वस्तु जल के नष्ट हो जाती है, सूर्य की पावरफुल किरणों से हर प्रकार के कीटाणु जीवाणु सहज ही समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से अंधकार समाप्त होकर प्रकाश फैल जाता है। ठीक इसी तरह मैं आत्मा भी अनुभव कर रही हूं। परमात्म शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में व्याप्त एक एक विकार के कीटाणुओं को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर रहा है।
मैं आत्मा पूरी तरह बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूं। मैं अनुभव कर रही हूं बाबा की शक्तिशाली किरणों को। बाबा के तेज से मैं आत्मा पवित्र हो रही हूं। मेरे तमो प्रधान संस्कार नष्ट हो रहे हैं। मैं अनुभव कर रही हूं जैसे धधकती आग में किसी चीज को डाल दिया जाए। तो कुछ ही सेकंड में वो नष्ट हो जाती है, जलकर राख हो जाती है। वैसे मैं आत्मा भी ज्ञान सूर्य के समीप आते ही अपने अंदर के समस्त विकारों के अंश वंश को बहुत तीव्र गति से नष्ट होते देख रही हूं। मैं अनुभव कर रही हूं बाबा के शक्तिशाली स्वरूप से जो तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है वो मुझ आत्मा के अंदर से एक एक विकार को नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा हल्की होते जा रही हूं। पाप कर्मों के बोझ से मुक्त हो रही हूं। मुझ आत्मा को बहुत हल्कापन फील हो रहा है। मैं बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूं। बाबा मुझ आत्मा में अपना गुणों और शक्तियों का प्रकाश भर रहे हैं।
मैं भी गुणों के सागर शिव बाबा की तरह गुणों से भरपूर हो चुकी हूँ। अब मैं आ जाती हूँ वापस अपनी देह में और परमात्मा शक्तियों को पूरी देह में फैला रही हूँ। शरीर के रोम रोम में ईश्वरीय शक्तियाँ समा चुकी हैं। मेरा शरीर भी रोग मुक्त हो चुका है, शक्तिशाली बन चुका है। ओम शांति। आशा दीदी जी, आप मुरली स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं आप दीदी? अच्छा, मैं भी शुरू करती हूँ। आज के लिए भी आज दिन 71 की है, 1671। बाबा ने जीवन के लिए थोड़ा माइक के पास। अच्छा, अभी आ रहे भाई साहब? मेरी आवाज अब क्लियर आ रही भाई? ठीक है, बोलिए बोलिए। बाबा ने जीवन के लिए तीन चीजों की आवश्यकता, खुराक, खुशी और खजाना, इसकी आज इस मुरली में बाबा ने बताया है। जैसे कि लौकिक लोग कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो बाबा ने खुशी, खुराक और खजाना इन तीन बातों के लिए कहा है। बाबा ने कहा है कि आपको सागर को सागर में भर के दिखाना है। अच्छा, इसमें महासागर रूपी ज्ञान को एक मटके में भरकर दिखाने के लिए बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा कि एक पाप है और एक ही ज्ञान है, और एक ही का वर्णन करने से पॉइंट निकलती, एक पॉइंट निकलेगी, दो का वर्णन करोगे तो दो पॉइंट निकलेगी। बाबा ने कहा कि एक, दो, तीन, पांच, पांच पॉइंट में आपको सारा ज्ञान वर्णन कर देना है, ऐसे मंथन करना है। और बाबा ने कहा है इसमें कि लोग करामात करते हैं, लेकिन आपको श्रीमद, इस करामात को करामात नहीं, श्रीमत के, श्रीमत कहना है। आपकी श्रीमत है, लोगों की करामात है, तो करामात और श्रीमत में फर्क है, बाबा ने बताया है। आगे बाबा कहते हैं कि आप लोगों को मनमत, व्यर्थ सुख संकल्प की श्रीमत नहीं, मनमत नहीं, ये मनमत नहीं है, ये मनमत है, जो श्रीमत है ये मनमत है, व्यर्थ संकल्प ये मनमत है। तो बाबा ने कहा है कि आप लोगों के कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी थोड़ा पास आकर के बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी भी नहीं? हेलो जी, कीजिए दीदी। तो बाबा कहते हैं कि आप लोगों को, बाबा ने यहाँ पर धैर्यता, सहनशीलता, इस गुण के विषय में का बताया है कि सफलता मूर्त बनने के लिए हमको सहनशीलता का गुण चाहिए। बाबा ने सहनशीलता के विषय में आज बहुत व्याख्या की कि गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करने वाले के लिए सहनशीलता वाला ही होगा जो बहिर्मुखता को छोड़कर गहराई में जा पाएगा। बाबा ने आगे कहा है कि जो गहराई में जाता है वही सागर के तले में जाकर रत्न लेकर आते हैं, और ऐसे ही लोग सहनशील होते हैं। तो अभी मुरली में और भी पॉइंट्स हैं, पर मैं अब मुरली अभी शुरू कर रही हूँ। बाबा कहते हैं कि जीवन में मुख्य तीन चीजों की आवश्यकता होती है, तो वो कौन सी है? चाहे लौकिक जीवन चाहे अलौकिक जीवन, दोनों में तीन चीजों की आवश्यकता है। वह कौन सी? एक चाहिए खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना। खुराक, खुशी और खजाना, ये तीनों तो इनकी, इनकी खुराक मीन्स जो हमें भोजन के लिए चाहिए, खुशी, खुशी जो ब्राह्मण जीवन
का ही का मुख्य अंश है, और खजाने के विषय में बाबा बता रहे कि ये तीनों ही आवश्यक है। तो खजाने के बिना कुछ नहीं होता, तो खुशी के बिना भी जीवन नहीं है, और खुराक भी आवश्यक है, तो यह तीनों चीजें यहाँ आवश्यक है। बाबा कहते हैं कि खुराक किसको कहेंगे, खुशी तो हुई प्राप्ति की, बाकी खुराक कौन सी है, तो बाबा ही बता रहे हैं कि खजाना कौन सा है। खजाना कहते हैं कि खजाना है ज्ञान का, और खुराक, खुराक के लिए बाबा कहते हैं कि याद से जो शक्ति बढ़ती है, जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो उससे हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिस भी चीज की इच्छा से वो हमें प्राप्ति होती है, हमारी खुराक है। हम रीड करते हैं मुरली। ओके सिस्टर, आप देखिए। जी, तो आज की जो मुरली है इसमें बाबा कह रहे हैं कि तीन चीजों की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक जीवन हो। हाँ, और वो तीन बातें बाबा ने कौन सी बताई, एक खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना। ये तीन बातें बाबा ने बताई, जिनको बाबा कह रहे हैं ये तीनों ही बातें आवश्यक है, खजाने के बिना कुछ नहीं होता। मानो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकते, ना रोटी ना कपड़ा ना मकान, तो खजाना इम्पोर्टेंट है। खुशी के बिना भी जीवन नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए सब कुछ है लेकिन फिर भी मन में खुशी नहीं है तो उसको भी हम जीवन जीवन नहीं कहेंगे। और खुराक भी आवश्यक है, तो यह तीनों चीजें यहाँ भी आवश्यक है। खुराक किसको कहेंगे, खुशी तो हुई प्राप्ति की। हाँ, खुशी किस चीज की, प्राप्ति की, तो खुराक किसको कहेंगे, बाकी खुराक कौन सी है, खजाना कौन सा है, खजाना है ज्ञान का। खजाना है ज्ञान का, खुराक है याद से जो शक्ति भरती है। ज्ञान के आधार पर हम याद करते हैं ना बाबा को, और याद से शक्ति भरती है, तो ज्ञान यहाँ पर खजाना और खुराक हो गई शक्ति। जीवन की एनर्जी खुराक है। तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी है व हो रही है। अब पूछ रहे हैं बाबा कि ये तीनों ही प्राप्तियां आपको हो चुकी है, क्या समझते हैं आप, या भी करनी बाकी है। तो बाबा कह रहे हैं खजाना भी पूरा मिल चुका है ना, खुराक भी मिल चुकी है, खुशी तो है ही, अखुट खजाना मिला है ना। अच्छा, उस अखुट खजाना हो किसको वर्णन करके सुनाओ, तो ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा खजाना आ जाए। सागर को गागर में समाकर दिखाओ, खजाने का वर्णन जरूर एक दो तीन ऐसे गिनती कर सुनाएंगे ना कि इतना खजाना हमारे पास है। ऐसे लौकिक में बताते ना, एक तो हमारे पास ये चीज है, दूसरी हमारे पास ये चीज है, तीसरा हमारे पास ये भी चीज है, तो बाबा कह रहे तुम भी अपने खजानों को ऐसे ही गिनती करके सुनाओ कि इतना खजाना हमारे पास है। यहाँ भी एक दो तीन चार पांच के अंदर ही सारा खजाना गिनती कर सुना सकती हो, एक में इकट्ठी बातें आ जाती है। एक बाप है, एक ही ज्ञान है, ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएंगी। एक एक से भी तो बहुत बातें हो जाती है ना,
दो का वर्णन करो तो दो में भी कितनी पॉइंट्स हैं, तीन को वर्णन करो तो भी कितनी पॉइंट हैं, तो एक दो तीन चार पांच, इसमें ही सारा ज्ञान वर्णन कर सकती हो। जैसे एक परमात्मा एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, तीन से त्रिकालदर्शी भी होता है, त्रिनेत्री भी होता है, ऐसे ही हम एक दो तीन चार पांच को एक्सप्लेन कर सकती हैं। जैसे खजाने को उंगलियों पर गिनते करते हैं ना, ऐसे आप भी ज्ञान खजाने को इस पांच गिनती में वर्णन कर सुना सकती हो। यह क्लास कराना, बाबा हम सबको होमवर्क दे रहे हैं, फिर देखना पांच के अंदर सारी पॉइंट्स आ जाती हैं। ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए जिससे सहज भी हो जाए और वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। पांच में सारा ज्ञान वर्णन कर सुनाओ। कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा पैराग्राफ याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम उनको पॉइंट्स में लिखते हैं ना तो वो याद करना भी इजी हो जाता है, सुनाना भी इजी हो जाता है। खजाने को भी वर्णन करके सुनाने के लिए सहज तरीका यह है, छोटे बच्चे को भी एक दो तीन ऐसे सिखाते हैं ना, तो इन पांच में ही सारे खजाने का वर्णन हो। और जितना बार खजाने को वर्णन करते हैं व मनन में लाते हैं, इतनी खुशी जरूर होती है। हाँ, तो दो बातें आ गई ना, एक खजाने की और एक खुशी की। खजाना बाबा ने ज्ञान को बताया था, और मनन करके याद में रहना इसको बाबा ने खुशी बताया। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं बाबा कि जितना बार भी आप खजाने को वर्णन करते हो, मनन में लाते हो, इतनी ही खुशी होती है। और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है। खुशी भी मिलती है, खुराक भी मिलती है, और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में है। इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। अगर तीनों ही बातें स्मृति में है तो बाबा कह रहे हैं ये जो जीवन है ये श्रेष्ठ है। याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है। पूछ रहे हैं बाबा कि जैसे हम याद करते हैं, याद की यात्रा में रहते हैं, तो उससे कोई करामात आती है। करामात अर्थात शक्तियों की प्राप्ति होती है। शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहें। जैसे कुछ भी कार्य करने की सिद्धि लोग प्राप्त कर लेते हैं, वहां पर हमें क्या मिलता है, शक्ति मिलती है। तो शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहते हैं। जैसे वह लोग कई अभ्यास करते हैं तो उसमें रिद्धि सिद्धि की करामात आती है। इस प्रकार को करामात कहें, इस प्राप्ति को करामात कहें। जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करती हो उसको करामात कहें। पूछ रहे हैं बाबा, करामात नहीं कहेंगे, किसी ने कहा होगा, करामात समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। देखो, अगर हम करामात समझते हैं तो क्या होता है ना कि अभिमान भी आ जाता है, इंकार भी आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं समझते हैं। हम क्या समझते हैं, कर्तव्य, और फिर शक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्तव्य करने का तो फर्ज है, इस कारण स्वीकार नहीं होता है। यहाँ करामात की बात नहीं है, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो। उन मनुष्यों के पास करामात होती है, आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। हाँ,
वो क्या समझेंगे, हमारे पास तो ये सिद्धि है, ये शक्ति है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि में केवल एक ही बात आती है कि ये जो कर रहे हैं ये हमारी श्रीमत के अकॉर्डिंग है। तो श्रीमत और करामात में फर्क है। आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा श्रीमत द्वारा, अर्थात इस मत की यह गति प्राप्त हुई। करामात नहीं लेकिन श्रीमत समझेंगे। हाँ, क्या स्मृति में आएगा? श्रीमत द्वारा यह गति हमें प्राप्त हुई, ना कि ये सोचेंगे कि ये करामात है। करामात समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शक्तियां आनी जरूर है, मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं। हमें भी कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है, सारी शक्तियां हमें मिलेंगी लेकिन बोलने की जरूरत नहीं। संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। संकल्प किया और कार्य सफल हुआ। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था। किसी को ज्ञान सुनाते थे हम तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते थे, तब हमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती थी किसी को समझाने में। तो बाबा कह रहे हैं तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। फिर धीरे धीरे हमारा संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे? हाँ, किसी को बुलाना होगा तो बुला भी सकेंगे, किसी को कहीं पर बैठे हुए भी हम संकल्प द्वारा प्रेरित भी कर सकते हैं। यह भी शक्तियां हैं लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। सारी शक्तियां हमारे पास लेकिन करामात नहीं समझना, क्या समझना है? कर्तव्य। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई है। अच्छा, क्यों नहीं समझना इसको करामात? क्योंकि जो भी कुछ हमें मिल रहा है ना, वो हमें बाबा से मिल रहा है, श्रीमत से मिल रहा है, तो उस पर हमारा कोई अधिकार है ही नहीं। जिसने दिया उसने हमें कुछ कर्तव्य दिया, जिसकी प्राप्ति के लिए उसने हमें शक्तियां दी हैं, तो हमें क्या समझना है? यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। यह जैसे बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में आ जाता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे और वहां उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा। लेकिन फिर हमारे संकल्पों में पावर होनी चाहिए ना, तभी तो ऐसा होगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा, यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। हाँ, जब पावर आ जाएगी ना तब ऐसा होगा। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वह चलती रहे। देखो कंडीशन है कि अगर ऐसी शक्ति प्राप्त करनी है तो बुद्धि में क्या चलना चाहिए? सिर्फ एक श्रीमत, जो आज्ञा हमें मिली हुई है, बाकी सारी बातें समाप्त, और कुछ भी मिक्स ना हो। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है। हाँ, अगर व्यर्थ चल रहा है तो वो श्रीमत नहीं है। यह है अपनी मनमत है। व्यर्थ क्या है? मनमत। याद रखेंगे इस बात को ना, व्यर्थ श्रीमत नहीं है, मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स न हो, तब शक्तियां आएंगी। श्रीमत क्या कहती है? सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई। लेकिन अगर दूसरे दूसरे आ रहे हैं तो वो क्या है? श्रीमत के खिलाफ, व्यर्थ है, मनमत है। तो फिर बाबा शक्तियां क्यों भरेगा हमें? तब शक्तियां आएंगी। नजदीक आ रही होना।
हाँ बाबा क्या कह रहे हैं, नजदीक आ रही हो। गायन शक्तियों का ज्यादा है, कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज्यादा है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा है। एक तो हम कर्तव्य कर्तव्य करते रह जाएं कि ये हमारा कर्तव्य है, ये करना है, ये कर्तव्य है, लेकिन नहीं, मेन जो गायन है वो कर्तव्य का नहीं है, वो शक्तियों का है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा है, इसीलिए कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी ज्यादा शक्तियों का ज्यादा है। शक्तियों का ज्यादा है। दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा। अभी हम देखते हैं ना कि देवताओं की तरफ इतना नहीं, शक्तियों की तरफ सब खींचे चले जाते हैं, तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि देवताओं का पूजन यादगार कम होता जाएगा, शक्तियों का पूजन गायन बढ़ता जाएगा। गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, निर्मल शांता दादी बाप दादा के सन्मुख बैठी हैं। कलकत्ता में सर्विस का साधन तो स्थापन कर लिया है, लेकिन जैसे सर्विस के साधन की स्थापना की है, वैसे पालना का रूप अभी विस्तार को पाना चाहिए। कलकत्ते के म्यूजियम द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति का वरदान प्राप्त हो सके, क्योंकि कलकत्ता में अशांति ज्यादा है ना, तो इतना आवाज फैलना चाहिए जो गवर्नमेंट तक यह आवाज जाए कि इस स्थान द्वारा शांति सहज प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट द्वारा शांति दल के रूप में ऑफर हो सकती है, जैसे जेल आदि में भाषण के लिए ऑफर करते हैं, ऐसे ही पाप, क्योंकि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने का साधन है, तब निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही कहाँ अशांति होगी तो यह शक्ति दल शांति दल समझा जाएगा। ऐसी भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी तब तो आफरीन गाई जाएगी। ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज फैले चारों ओर, अशांति के बीच यह शांति दल सेफ्टी का साधन है। ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जाएंगे, जैसे भट्टी के प्रोग्राम का गायन है, आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी का साधन रहा, चारों ओर आग होगी, लेकिन यह एक ही स्थान शांति का है, ऐसा अनुभव करेंगे। इसी स्थान से ही हमको सेफ्टी व शांति मिल सकती है। यह पालना का कर्तव्य बढ़ाओ, वह तब होगा जब कोई एक स्थान बनाओ जो विशेष योग अभ्यास का हो, जिसमें जाने से ही ऐसा अनुभव करे कि ना मालूम हम कहाँ आ गए हैं। स्थान भी अवस्था को बढ़ाता है, मधुबन का स्थान ही स्थिति को बढ़ाता है ना, तो ऐसा कोई स्थान बनाओ जो कोई कभी भी परेशान दुखी आत्मा हो, चिंता में डूबी हुई हो, तो वह आने से ही महसूस करे कि हम कहाँ आ गए हैं। ऐसा प्लान बनाओ। अपने को सफलता मूरत समझते हो? अब बाबा पूछ रहे हैं, सफलता मूरत बनने के लिए मुख्य कौन सा गुण धारण करने से सफलता मूरत बन जाएंगे? सफलता मूरत बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, वैसे शांति, ओम शांति। सेकंड पार्ट दीजिए, कल रीड करेंगे। ओके भाई जी।
तो अभी हम एक मिनट साइलेंस रखते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे। ओम शांति जी, आप शेयर कर सकते हैं भाई जी। ओम शांति। जब से हम बाबा के बने हैं, ब्राह्मण कुलभूषण बने हैं, बाबा से हमें कई खजानों की प्राप्ति हुई है। बाबा हमेशा कहते हैं मुख्य खजाना है हमारा समय, संकल्पों का, ज्ञान का, श्वासों का। खजानों की लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है, लेकिन इस मुरली में बाबा ने कहा है जो हमें जो संकल्पों का खजाना मिला है, वो जो ये हमारी प्राप्तियां हैं, वह भक्ति मार्ग में रिद्धि सिद्धि करते हैं, तंत्र मंत्र से कर्तव्य, वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, अल्पकाल की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो वो शक्ति का उसको समझकर करते हैं कि शक्ति का हम यूज कर रहे हैं उसको, लेकिन हमारी है श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य। हमारा कर्तव्य है श्रीमत का के अनुसार चलना। तो उनके पास करामात है, हमारे पास श्रीमत है, तो हम कर्तव्य समझ शक्ति हमें प्रयोग करनी है। तो हमारे पास तो संकल्पों का ही श्रेष्ठ पहला खजाना है, प्रथम खजाना ही संकल्पों से है। हमारे संकल्प इतने श्रेष्ठ हों, इतने शक्तिशाली हों कि हमारे जो संकल्प हैं वो भी सिद्ध होते हैं। हमें श्रीमत से उनसे प्राप्तियां भी होती हैं और बाबा से शक्ति मिलती है। जैसे बटन दबाने से टीवी या ब्रॉडकास्टिंग होती है, ऐसे ही हमारे संकल्पों की स्पीड होती है। हमारे संकल्प कार्य करेंगे, हम किसी भी के भाव को जान सकेंगे, कैच कर सकेंगे, किसी को बुलाना है बुला सकेंगे, किसी को प्रेरणा देनी है प्रेरणा दे सकेंगे, लेकिन बशर्ते कि बाबा की श्रीमत पर चलना है। उसमें श्रीमत में कोई व्यर्थ मन मत मिक्स ना हो, तब शक्तियां आएंगी। तभी गाया भी गया है कि शक्तियों का गायन ज्यादा है। तो ये है हमारी संकल्प जो सिद्ध होते हैं, और जो शक्तियां ही हमारी शक्तियों से ही होते हैं, हमारी शक्तियां ही करेंगी, इनका ही आगे गायन है। ओम शांति जी। भाई जी, दीप्ति सिस्टर आप बोलिए जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि व्यर्थ श्रीमत नहीं है, व्यर्थ मनमत है। तो हमें शक्तियां प्राप्त करने के लिए सिर्फ श्रीमत पे चलना है, और श्रीमत मतलब सिर्फ बाबा और कोई भी नहीं, तब हमारी शक्तियां हमें प्राप्त होंगी। ओम शांति जी। अश्वनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज पापा बोलते हैं कि जैसे मधुबन में जाते तो उस स्थान ऐसा लगता है कि हम कहाँ है, वैसे ही हमें ऐसा स्थान बनाना है कि कोई भी दुखी आत्मा आए तो वो ऐसा सोचे कि हम कहाँ पे आए, ऐसे स्थान बनाने हमें बाबा आज बोलते हैं।
आशा सिस्टर आप बोल सकते हैं? जी हाँ, आज बाबा ने सागर को गागर में भरने के लिए कहा। बाबा ने कहा है कि आप जब एक पॉइंट सुनाते हैं तो एक 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 ज्ञान होता है, और दो पॉइंट सुनाते हैं तो दो का वर्णन करते हैं, दो ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार बाबा ने कहा है कि आपको एक दो तीन चार पांच सारे पॉइंट इस तरह से अपना ज्ञान सुनाना है कि सारी मुरली का मंथन इस तरह से हो कि वो पांच पॉइंट के अंदर ही सारी मुरली आ जाए। इस तरह से बाबा ने कहा कि आपको मनन चिंतन मंथन करना है, और ज्यादा विस्तार में न जाकर उस सारी पॉइंट सारी मुरली का या सारे जो भी ज्ञान आप देना चाहते हो उसको पांच पॉइंट के अंदर समा कर लोगों को कम समय में आप समझाने की कोशिश कीजिए। बाबा ने आज ये कहा है। तो बाबा कहा है कि जितनी बार आप वर्णन करते हो मनन करते हो उतनी ही आपको खुशी मिलती है, और खजाने को मनन करने से मग्न अवस्था ऑटोमेटिक आ जाती है, खुशी मिलती है, खजाना मिलता है और खुराक भी मिल जाती है। तो बाबा ने इस तरह से कहा कि स्मृति भी आ जाती है। तो तीनों ही बातें में तीनों ही बातें स्मृति में है, इस तरह से बाबा बता रहे हैं। जी, तो हम पूरे ज्ञान को अगर 1 to 5 काउंटिंग में लाना चाहें तो कैसे लाएंगे हम पूरे ज्ञान का सार 1 to 5 पॉइंट्स में कैसे लाएंगे? कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको शॉर्ट में? विनीता सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति दीदी, आज बाबा निर्मल शांता दादी जो बाबा दादा के सम्मुख बैठी हैं तो उनके थ्रू हम सभी आत्माओं को ये संदेश दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कलकत्ता विशेष के बारे में ये, लेकिन कहीं के लिए भी हो सकता कि कलकत्ते में बहुत अशांति है। तो अभी ऐसा बाबा कह रहे हैं कि कलकत्ता का जो म्यूजियम है उसके द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति प्राप्त हो सके ये करना है कोशिश, क्योंकि कलकत्ता में अशांति ज्यादा है। तो वहाँ इतना आवाज फैलना चाहिए जो गवर्नमेंट तक यह आवाज जाए कि इस स्थान के द्वारा शांति सहज प्राप्त हो सकती है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कोई विशेष स्थान जो कि योग में इतना उसमें महारत हासिल करना है जो कि किसी को भी वहां जाने से यह अनुभव हो कि हम कहाँ आ गए हैं, चाहे बहुत दुख अशांति के बीच में भी कोई रहे और वहां जाए तो उसे ये महसूस हो। शांति जी। मीना सिस्टर आप बोलिए। शांति दीदी, आपने 1 2 3 का शॉर्ट में पूछा है ना, तो एक मतलब हम ऐसे मनन कर सकते हैं जैसे एक से एक बाबा दूसरा ना कोई, एक एक ही ज्ञान है, एक ही दुनिया है, एक ही एक नामी इकोनॉमी एकांतवासी, ये सारे एक के शब्द आ गए। फिर दो में आ सकता है मैं और मेरा बाबा, तो ऐसे हम मनन करते जाएंगे। तीन में त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, बाप दादा, दो में बाप दादा भी आ सकते हैं। ओम शांति दीदी, मेरे ख्याल से तो ये है कि आत्मा परमात्मा और साकारी आकारी निराकारी ये पांच वर्ड हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे बाबा ने एक बार मुरली में नहीं बताया था कि पांच शब्दों में आप सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो एक मत, एक रस, एकांत, एकांत है ना, ऐसे बाबा ने पांच शब्द हमें बताए थे, उसमें सारा ज्ञान आ गया था। जी आशु सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने ये भी बताया कि जैसे जैसे टाइम आगे आएगा तो देवताओं की पूजा कम हो जाएगी और शक्तियों को ज्यादा मतलब उनको ज्यादा लोग मानेंगे, उनको ज्यादा पूजा करेंगे। तो वैसे भी देखिए शिव की शक्तियां जो कहते हैं ना, तो बाबा भी कहते हैं ना कि बच्चे आप मेरी शक्ति हो, आपके बिना मैं भी कुछ नहीं, तो कितना बाबा मान देते हैं। तो हमको भी उस नशे में रहना है कि हम कौन है, शिव की शक्तियां हैं, और जैसे बाबा कहते हैं मेरी भुजाएं हैं आप, तो आपके द्वारा ही सब काम होते हैं। ओम शांति जी। नमिता सिस्टर बोलिए।
ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हमारा संकल्प शक्ति बढ़ेगी और हमारा संकल्प भी श्रेष्ठ बन जाएगी। तो हम संकल्प शक्ति के द्वारा हम कर्तव्य भी कर पाएंगे। हमारा सब कुछ कर्तव्य हम बाबा के श्रीमत पर करेंगे। संकल्प से किसको भी हमें बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की भी प्रेरणा दे पाएंगे। तो बाबा ने बोला कि कौन बोलने से भी कर्तव्य हम कर पाएंगे संकल्प से। तो हमारा संकल्प शक्ति श्रेष्ठ बना के हम बाबा के श्रीमत को अच्छी तरह फॉलो करना है। ओम शांति। जी, मेन बात तो शक्तियां हमारे अंदर होंगी ना, तभी तो हम किसी की सेवा कर सकेंगे। हाँ जी, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो कीजिए, जो पॉइंट रह गया है वो कीजिए। ओम शांति दीदी। जी बाबा बोला जब मैं सफलता मुहूर्त बांधने के लिए दुई गुण चाहिए, सहनशीलता और सरलता, तो हम हर कार्य में सफलता हुई। और बाबा बोला बाबार सीमत चलने से शक्ति आएगी, एवं शक्ति शक्ति सीमत चलने से हमारा शक्ति मिलती है, शक्ति से हमारा सब सब सिद्धि प्राप्त करना है। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर बाबा ने बताया कि याद के यात्रा में रहने से कोई करामात मतलब चमत्कार आती है करके पूछ रहे, और जो बाहर के लोगों को मिलती है रिद्धि सिद्धि का चमत्कार उनको मिलता है, हमको जो शक्ति मिलता है उसको तो करामात नहीं कह सकते हैं, नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो कर्तव्य है बाबा के श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलना है करके बाबा बताया। ओम शांति। वैसे करामात खुद की चीज होती है ना, खुद ने जब कुछ स्पेशल कुछ किया होता है उसको हम कहते हैं इसने फलाने ने करामात करके दिखाई है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो बाबा ने हमें दिया है तब कर रहे हैं, उसको हम कर्तव्य कहेंगे। राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बताया दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा, शक्तियों का गायन पूजन बढ़ता जाएगा, गायन होते होते प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ओम शांति। लेकिन जब हम अपने आप को अपने पूज्य स्वरूप में देखते हैं तो फिर हमें अपने बाकी सारे स्वरूप भी देखने चाहिए। जी जी। वंदना दीदी आप बोलिए। जितना बाबा कहते हैं जितने बार खजाना का वर्णन करते हैं व मनन करते हैं उतनी खुशी होती है, और खजाने के मनन करने से मग्न भी ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऑटोमेटिकली अवस्थ हो जाती है, बाबा पर खुशी भी बहुत सारी मिलती है मनन करने से। ओम शांति। मीनू सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने कहा ना दो शब्दों में ज्ञान समझाने के लिए, तो बाबा अक्सर बोलते हैं याद और सेवा, फिर बाप और वर्षे को याद करें तो उसमें भी ज्ञान आ जाता है सब, कथनी करनी समान हो हमारी, इसी तरह से तीन जो शब्द हैं त्याग तपस्या सेवा वाले शब्द हैं, उसमें भी काफी ज्ञान समाया रहता है। दो में और हैं आधार मुहूर्त और उद्धार मुहूर्त, बाबा दोनों साथ साथ लेके चलते हैं ये शब्द बोलते हैं बाबा। न्यारा और प्यारा है, कंपेनियन और कंबाइन दो स्वरूप की बात करते हैं बाबा जी। साथी और साक्षी। जी साथी और साक्षी। स्मृति जी, स्मृति और समर्थी। तीन चार पांच का क्या है सिस्टर बताइए। पांच में पांच स्वरूप आ गया ना। और तीन चार में तीन में त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी आदि मध्य अंत त्रिलोक, तीन चीजें त्रिशूल। हाँ, 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 जी।
चार में हमारे चारों सब्जेक्ट हो गए, चार सब्जेक्ट्स हो गए, चार पिलर्स हैं जिस आधार पर हमारा यज्ञ चल रहा है। हाँ हाँ चार है ना वगैरह। हाँ जी चार धाम ऐसे चार धाम चार युग इस करके फिर बोलेंगे है ना, सभ्यता में रहना हमें। तेरे सिस्टर आप बोल रहे थे, आप बोलिए। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बोल। हाँ चार अलंकार दिखाते हैं ना, शंख ध्वनि करनी है, गदा, कमल, तो ये भी चार में आ जाएगा ना, चारों दिशाओं में ज्ञान का वर्णन है। टिंपी सिस्टर बोलिए। दीदी चार धाम कैसे पूने धोना के हमसे काम धोना है जो पूने धोना को धाने रो तीन पूने सदे कतरा से नगाने समझ नहीं हनु झड़का रो। ओम शांति दीदी। हां जी टिंपी सिस्टर बोलिए। दीदी ये जो बाबा ने आज जैसे 1 2 3 4 5 के लिए कहा, इस पे मेरा थोड़ा सा चिंतन चला था, कैसे नई आत्माओं को बाबा कहते हैं 5 बातें बता के पूरा कोर्स फिनिश करा दो। इसको हम शॉर्ट में ऐसे ले सकते हैं कि मैं आत्मा अकेली आई थी और अकेली ही जाना है, तो एक और एक से ही मेरे सारे संबंध है। दूसरा कि सभी मनुष्य 2 चीजों से मिलके बने हैं, जीव और आत्मा। ना तो हम जीव अकेले रह सकते ना आत्मा अकेले, तो ये 2 हो गए। तीसरी बात हम समझाते हैं ज्ञान की कि लोक जो है वो 3 हैं, परम धाम, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। 4 में हम बताते हैं ज्ञान में कि हमारे 4 युग हैं, पूरा सृष्टि चक्र 4 भागों में बटा हुआ है, सुख और दुख का खेल आधा आधा चलता है, और बाबा का ज्ञान लेने से हम विष्णु चतुर्भुज बन जाते हैं। ये 4 हो गया। और 5वें नंबर पर आता है कि 5 विकारों ने ही हमें कमजोर बनाया है, 5 कर्म इंद्रियों पे हमें जीत पानी है, 5 तत्वों में हम मिल जाते हैं। कैसे होगा, कैसे हम विकारों पे जीत पाएंगे, 5 विकारों पे 5 स्वरूपों का अभ्यास करके। ओम शांति। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो ये है 5 वर्ड में पूरे ज्ञान का सार। और 5 में 5 वर्णों का भी बोल सकते हैं दीदी। हाँ जी हाँ, फिर तो कितना भी हम ले सकते हैं। शिव देवी सिस्टर आपने ठीक कहा। ओके एक और है कि भगवान, भगवान का भी अगर हम विच्छेद करते हैं संधि विच्छेद, तो भ ग व मतलब 5 तत्व इसमें आ जाते हैं, भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर। जी और किसी को पॉइंट शेयर करना? अग्नि। एक लास्ट पॉइंट कोई शेयर कीजिए, फिर हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। हो गया, किसी को कुछ नहीं कहना? चलो अभी हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो तीनों ही बातें, हाँ, खजाना यानी कि ज्ञान, खुशी और खुराक, हम इन तीनों को ही कल बुद्धि में रखेंगे और सारा दिन मनन चिंतन करेंगे, जिससे हमें शक्ति अनुभव होगी। हाँ तो सारा दिन हम ज्ञान के पॉइंट्स को चिंतन करते करते खुशी का अनुभव करेंगे और पूरे दिन भर याद करेंगे कि मेरा कर्तव्य क्या है, श्रीमत मुझे किस कर्तव्य के लिए प्रेरित करती है, और उस कर्तव्य को फिर हम करेंगे पूरा।
तो अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। देखे स्वयं को मस्तक पर बिंदु चमकता हुआ, अपनी शान में स्थित हो जाएं। कौन हूं मैं? वही निराकार आत्मा जो परम धाम में अपने पिता के पास रहती, शांति सर्वगुण से संपन्न पवित्रता के सागर की किरणों के नीचे संपन्न और संपूर्ण स्थिति में मैं अनादि स्वरूप में निराकार आत्मा हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में, नव युग में, सत्युग में जब उतर कर आई, तब भी मैं संपन्न संपूर्ण ही सतो प्रधान शरीर द्वारा पाठ बजा रही विश्व राज्य अधिकारी आत्मा सर्वगुण संपन्न प्रकृति पति मर्यादाओं में उत्तम ताज तख्त और तिलकधारी आत्मा हूँ। वक्त बीतते बीतते द्वापर में पहुंची, जहां मेरे ही पूज्य स्वरूप की पूजा हो रही है, मेरा ही गायन हो रहा है, मेरी ही जड़ मूरत से निकलते हुए वाइब्रेशंस से आत्माएं प्राप्ति कर रही है। मैं साक्षात्कार मूरत सभी भक्तों को अपना साक्षात्कार करा रही हूँ। और वक्त गुजरते गुजरते अब वो वेला आई जब मैं संगम पर शिववंशी ब्रह्मा मुखवंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बनी, परमात्मा पालना में पलने वाली विश्व कल्याणकारी बन विश्व की सेवा करने वाली आधार मूरत उद्धार मूरत आत्मा हूँ। और मैं अब अपने प्यारे पिता की याद में लाइट माइट फरिश्ता स्वरूप बन इस देह और देह की दुनिया से न्यारी हो चुकी हूँ। ग्लोब पर बैठ
बाबा से संपूर्ण प्योर एनर्जी स्वयं में भरते हुए मैं लाइट माइट फरिश्ता पूरे विश्व को शांति का सकाश दे रही हूँ। विश्व का कल्याण हो रहा है। शांति की दुनिया आई की आई। ओम शांति। ओम शांति।